नामांकन 24 से 31 तक, आज 25 से ना, तो खाल परेशान हो। जेडीयू से करेंगे सर आप नामांकन? जेडीयू पार्टी से करेंगे? अरे यार मैं किस पार्टी में भी हूँ सर आप? मैं किस पार्टी में? जेडीयू में। फिर वो मेरा कौन सा अकाउंट है पता है ना आपको? ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट है। हाँ ऑफिशियल अकाउंट है, जहाँ जनवरी से है यार, देखियो पढ़ोगे तब ना। मेरा अकाउंट है, मैं केंद्र में मंत्री हूँ, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री, तो फोटो किनका लगेगा जी? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ करिश्मा। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और 1 सीट जेडीयू के खाते में जाने वाली है। इसको लेकर तमाम जो तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार राज्यसभा किसे भेजेंगे, इसको लेकर जब आरसीपी सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम राज्यसभा जाएंगे और इसके लिए नामांकन भी वो करने वाले हैं। आपको बता दें कि उनका कहना है कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। लगातार वो ये बयान देते आ रहे हैं कि उनका जो संबंध है नीतीश कुमार से बेहद ही अच्छे हैं और जब वो केंद्रीय मंत्री थे तब वो नीतीश कुमार के सहमति से ही केंद्र में गए थे और अब राज्यसभा भी वो आरसीपी सिंह जाएंगे। पहले सुनिए आरसीपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। यार क्या बोला मैंने, आप लोग दिन भर कयास लगाते रहते, ये नहीं होगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा तो ये होगा। आप स्थिर से रहिए, आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं सर पटना? सर एक आखिरी सवाल। अच्छा ये बताओ यार, हाँ बड़ा बढ़िया सवाल किया, कल भी आप खूब चलाए भर पे। वो मेरा कौन सा अकाउंट है पता है ना आपको? ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट है। हाँ ऑफिशियल अकाउंट है, जहाँ जनवरी से है यार, देखियो पढ़ोगे तब ना। मेरा अकाउंट है, मैं केंद्र में मंत्री हूँ, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री, तो फोटो किनका लगेगा जी? अब ये क्रोम हो कि सर, अब उसमें क्या था, उस इस्पाती इरादा, ये तो हम कोई हमारा कोई अपना पार्टी का हमारा वो नहीं ना है जी, इसे इसको भी आप लोग चला देते हो। अच्छा पटना तो जेबे करेंगे तो कहले चिंता करते, मतलब नॉमिनेशन हो जाएगा ये तय। अच्छा फिर आप लोग जो है, अरे अच्छा अच्छा तुम बता दो, आप तुम जानते हो कि भाई नामांकन के पहले, नामांकन 24 से 31 तक, आज 25 से ना, तो खाल परेशान हो। जेडीयू से करेंगे सर आप नामांकन? जेडीयू पार्टी से करेंगे? अरे यार मैं किस पार्टी में भी हूँ सर आप? केंद्र मैं किस पार्टी में? जेडीयू में। आप फिर आप केंद्र में मंत्री बन गए और जिस तरह से अकेले नीतीश कुमार ने उस समय इस बात से इनकार किया, मना किया था 2019 में, आप 3 साल बाद अकेले जाके मंत्री बन गए, तो शायद कहा जा रहा है जो अकेले लगाई जा रही है पार्टी के नेता को पसंद नहीं आया। अच्छा सुन लीजिए, ये बात मैंने एक बार नहीं दर्जनों बार क्लैरिफाई किया है और अब फिर सुन लीजिए, ये पूरी तरह से बिल्कुल अफवाह है। और मैंने जो यहाँ जब शपथ लिया था उसमें नीतीश बाबू के पूरी सहमति से सहमत लिया था और मैंने ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बता दिया था कि कहाँ से आप लोग चलाते रहते हो। जैसा ये बताइए, अगर मैंने अपने मन से ले लिया था, कोई इस्तीफा मांगता ना हमसे? अरे ये क्यों पक चला रहे हैं आप इस चीज को? ये बार बार मैं देखता हूँ कि आरसीपी सिंह गए वहाँ अपने से बन गए, तो जितने लोग हमारे पार्टी के एमपी आके बन जाए हैं। तो आपने सुना आरसीपी सिंह को, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे और वो पटना आने वाले हैं। आपको बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि आपका जो ट्विटर अकाउंट है उससे जेडीयू और नीतीश कुमार को हटा दिया गया है, तो इस पर उन्होंने कहा कि मेरा ऑफिशियल है। इसके साथ ही साथ मीडिया वाले को भी उन्होंने कहा कि आप लोग तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं, खबरें चला रहे हैं जो बेतुका है, जो सही नहीं है। आपको बता दें कि 5 सीटों पर सभा के लिए चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए जेडीयू के तरफ से हलचल तेज हो गई है। ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के तरफ से आखिर नीतीश कुमार किसे राज्यसभा भेजेंगे, लेकिन ये जो बयान आया है आरसीपी सिंह का, इससे साफ होता है कि आरसीपी सिंह ही राज्यसभा जाएंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि नीतीश कुमार आखिर राज्यसभा किसको भेजते हैं। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।